Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back everybody. Now, ये वीडियो मेरी स्कूल्स के बारे में होगी. इसके बारे में भी मुझसे क्वेश्चंस किए गए कि बच्चों के स्कूल का आप मुझे बताइए कि वहाँ पे क्या एडमिशन प्रोसीजर है और फी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो मैं इसके बारे में आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, और ये पब्लिक स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और यहाँ पे अमीर गरीब सबके बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलाइक आर कंट्रीज़ के जी आप प्राइवेट स्कूल्स में डालेंगे या जो भी अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप कौन से स्कूल में डाल रहे हैं. और यहाँ का स्टैंडर्ड इन्होंने एक यूनिफॉर्म मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट द प्रोविंस. ऑब्वियसली थोड़ा सा टीचर्स के वे ऑफ टीचिंग या और जो डिफरेंट चीज़ें हैं उससे 19-20 का फ़र्क आता है, बट करिकुलम सेम है और पब्लिक स्कूल्स हैं और देयर इज़ नो फी. आपको क्या चाहिए होता है यहाँ पे बच्चों को अपने स्कूल लाइक इनके पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए? तो नंबर वन, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं हमारी तरह और आप आए हुए हैं स्टडी वीज़ा पे, तो स्टडी वीज़ा आपके बच्चों का भी होता है और आपका भी होता है. उसका वजह यह है कि आप स्टडी करने कनाडा में आए हुए होते हैं, ठीक है जी. तो जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो कुछ चीज़ें आपसे मांगते हैं आपके बच्चों के लिए एडमिशन प्रोसीजर को इनिशिएट करने के लिए. नंबर वन, आपको ये चाहिए होता है कि जी आपके पास एक स्टडी वीज़ा आपको शो करना होता है कि आप यू आर एलिजिबल टू लिव इन कनाडा, ठीक है. नंबर टू, आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपने बच्चों का, जो भी आपका प्रीवियस स्कूल था बच्चों का, ठीक है. नंबर थ्री, आपको उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिलीजियसली ये लोग वैक्सीनेट करते हैं अपने बच्चों को इन स्कूल्स, ठीक है. तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम बच्चों को उनके वैक्सीनेशन डोजेस उनकी एज के अकॉर्डिंगली मिले, और ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है जी. ये तीन चीज़ें हो गई. नंबर चार, आपको चाहिए होता है यानी नंबर फोर पे आपका कोई एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप जब प्रोवाइड करते हैं स्कूल को, दैट इज़ क्वाइट इनफ टू गेट योर चाइल्ड एडमिटेड इन टू द स्कूल, ठीक. तो ये मैंने कहा मैं आपको बताती चलूँ. अब इनके स्कूल्स में क्या होता है, इनके स्कूल की बसेस होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में भी बताया था बेनिफिट्स ऑफ ऑन कैंपस हाउसिंग के बारे में, ठीक है जी. इनके स्कूल की बसेस होती हैं, पहले इनका अगेन एक रेडियस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेट्स से, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये स्कूल है, तो इसका जो रेडियस है यूं करके इसके अंदर अगर आपका घर लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बस. लेकिन अगर इस रेडियस के बाहर अगर आप रहते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द बस सर्विस. और उसके वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसको भी आपको बिल्कुल पे नहीं करना होता, ठीक है जी. आपने बस अपने उस फॉर्म में फिल कर देना होता है कि आई नीड स्कूल बस, दिस इज़ माय एड्रेस, और दैट इज़ इट. वो आपको बता देते हैं कि भाई ये हमारा स्टॉप है एंड दिस इज़ वेयर यू आर सपोज टू ब्रिंग योर चाइल्ड, और यही आपका पिक एंड ड्रॉप स्पॉट होगा थ्रू आउट, ठीक है. अब तीसरी बात ये हो गई कि बसेस का मैंने आपको कवर कर दिया, किट्स कवर्ड अगर आप उनके रेडियस से बाहर लाई करते हैं. दूसरा ये कि फ्री है, उसके एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री है. अनलेस अगर आप ग्रेड लेट्स से आई थिंक इट्स फ्रॉम ग्रेड 11 एंड 12, मैं इसको दोबारा कंफर्म कर लूँगी. इनका एडवांस प्रोग्राम सिस्टम होता है जिसको आप एपी कहते हैं, एपी सिस्टम, या आप आईबी, ठीक है, इंटरनेशनल बैकलोरियट प्रोग्राम जो होता है, उसमें अगर आप अपने बच्चे करवाना चाहते हैं फ्रॉम ग्रेड 11 एंड 12, तो फिर आपको उसकी कुछ पेमेंट होती है. वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसके, वैसे तो आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अल्ट्रा में बेस्ट कि उसके लिंक्स भी मैं शेयर कर दूँ कि कौन से स्कूल. अगेन ये आपका रिसर्च होता है कि आप रिसर्च करें कि कौन से स्कूल्स वो करवा रहे हैं, और अपना बच्चा अगर आप उसमें, अगेन ये इट्स नॉट अ प्राइवेट स्कूल कि आपका जब दिल चाहा आप अपने जगह से उठ के आपने वो कहा कि जी वो जो इस एरिया का प्राइवेट स्कूल है,
मैं उसमें करा दूंगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप सभी को पता है कि जी सिटी स्कूल है, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, फाउंडेशन है, कराची ग्रामर स्कूल है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैंने कराची ग्रामर का स्कूल लिया, या रूट्स है इन अदर लाहौर इन ऑल, इवन अब कराची बहरिया टाउन में भी खुल चुका है, ठीक है ना। इस तरह के जो बड़े 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 नाम होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को मोस्ट एक्सपेंसिव और बहुत ही प्राइवेट स्कूल में कराएंगे तो बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये हमारा यहाँ पे चल रहा होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये कहानी होती, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्कूल्स में एडमिशन के लिए आप चूज़ नहीं कर सकते स्कूल, हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम सबके बच्चे पढ़ते हैं कैनेडा में फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो पब्लिक सेक्टर में नहीं पढ़ाना, मुझे तो प्राइवेट में पढ़ाना है, तो यू हैव टू फाइंड ए प्राइवेट स्कूल, जो इतना इजीली हर जगह आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो एक तो ये बात हो गई। अगर आप किसी, अब कहाँ कैसे होगा स्कूल में एडमिशन, कौन सा स्कूल है उसका, हर स्कूल की अपनी वेबसाइट्स होती है, इसके अलावा उनका एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट होती है जिसमें कैचमेंट एरिया आता है। नाउ व्हाट इज कैचमेंट एरिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपका जहाँ पे जो स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, उसका एक कैचमेंट एरिया होता है कि भाई ये जो विसिनिटी है, लाइक ये जो विसिनिटी है, इसके अंदर जो जो स्कूल होंगे, जो जो घर होंगे, जो जो रेजिडेंस होंगे इन दैट पर्टिकुलर रेडियस, ठीक है, तो उस वो वाले जो रेजिडेंस हैं वो इस स्कूल में जाएंगे। अब वो क्या उनका होता है, इट्स इन माइल्स समथिंग, ठीक है, मुझे क्योंकि एग्जैक्टली वो माइल्स याद नहीं है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, वो लिंक्स में इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर, अदरवाइज यू कैन जस्ट टाइप इन कि जी एनएल या सेंट जॉन्स एजुकेशन या जो भी चीज़ आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर द लिंक विद यू। उस कैचमेंट एरिया में अगर आपका घर लाया करता है तो आपको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट्री स्कूल है लाइक टिल ग्रेड 6 है, तो फिर क्या होता है कि उनके सिस्टर स्कूल्स होते हैं, कि ग्रेड 6 के बाद जब बच्चा आप कर लेगा तो वो उसके सिस्टर स्कूल में आगे बढ़ेगा। इट कैन बी लाइक फॉर ओनली ग्रेड 7 एंड 8, इट कैन बी अ हाई स्कूल, एंड इस दर जूनियर हाई एंड सीनियर हाई स्कूल्स भी होते हैं, एलिमेंट्री जूनियर हाई एंड सीनियर हाई। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्री, इट्स फ्रॉम ग्रेड केजी टू 6, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट जूनियर हाई इट इज़ फ्रॉम लाइक 7 टू 9, एंड देन वी टॉक अबाउट सीनियर हाई इट इज़ फ्रॉम 10 टू 12, ठीक है। अब उसमें आपका सिस्टर स्कूल होता है, अगर आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्कूल से आपका बच्चा पढ़ा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टर स्कूल में उधर चला जाता है। अगर आपका बच्चा एलिमेंट्री का था ही नहीं, आपका था दूसरे स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल जूनियर हाई में है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप ऑब्वियसली अगेन उस कैचमेंट एरिया में अगर आपका घर लाए करता है तो आपका बच्चा उस स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल होगा। उसमें फिर एडमिशन के लिए आपको कोई ये नहीं होता कि नहीं मिलेगा एडमिशन, एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नहीं जी हमारी तो क्लास फुल हो गई है। अगर आपका उस कैचमेंट एरिया में पढ़ रहा है तो उस स्कूल को आपके बच्चों को एडमिशन देना है, ये आपका हक बनता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं कि पब्लिक स्कूल्स के बारे में, फ़ी के बारे में, बसेस के बारे में, और किस तरीके से एडमिशन आपको मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट फैसिलिटी भी होती है कि जो आपको फ्री, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट क्लब, तो वो फ्री ब्रेकफास्ट होता है, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत देखभाल की जाती है और इनको मेक श्योर किया जाता है कि इन ये सुबह भूखे तो नहीं आए घरों से, और अगर ये घरों से भूखे आए हैं तो इनको मेक श्योर किया जाता है ब्रेकफास्ट क्लब में, इन्हें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि सारे बच्चे भूखे पढ़ने ना बैठे पूरा दिन, ठीक है जी। और दूसरा ये कि लंच भी कैफेटेरियाज में मिलता है विच यू हैव टू बाय, या इनका लंच प्लान्स होते हैं जो आप मंथली बेसिस पे पेमेंट उसकी कर सकते हैं, उनका मेन्यूज होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट होता है तो मैं उसको जनरलाइज तो नहीं करूंगी, लेकिन सेंट जॉन्स में इनके स्कूल में मील प्लान्स थे, आप वो मील प्लान्स पे टिक ऑफ कर सकते थे कि मेरे बेटे का ये, जिस दिन का भी जो जो मेन्यू है आप कर सकते थे, उसकी पेमेंट
ऑब्वियसली आपको करनी पड़ती है बिकॉज वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है जी, आप चाहें तो आप घर से लंच भेजें, मैं तो अपने घर से हेल्दी लंच बना के भेजती हूँ, तो इट्स टोटली अप टू यू। कभी आपने पॉकेट, एक होता है जी वंस अ वीक आप यू कैन बाय फ्रॉम द कैफेटेरिया, बट हमने क्योंकि अपने माओ को हमें लंच करते देते हुए देखा है, तो मुझे भी आदत है अपने बच्चों को होममेड लंच देने का। ठीक है, एंड इन दैट वे यू कैन मेक श्योर कि आपका बच्चा हेल्दी खा रहा है और जंक नहीं खा रहा है। दूसरा रीज़न ये भी होता है क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, तो वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके बच्चे के पेट में हलाल खाना जा रहा है, और कैफेटेरियाज़ में क्योंकि ये लोग नॉन मुस्लिम्स हैं तो कैफेटेरियाज़ में हर तरीके का खाना मिलता है। ठीक है, दिस इज़ अनदर रीज़न। अगेन, अगर आप अपनी प्रेफरेंस बताते हैं कि जी वी आर मुस्लिम्स और हमारे बच्चों को वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो दे डू टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे भी लोग मुझसे मुझे उन्हें पता है मैं क्या नहीं खा सकती, मैं क्या खा सकती हूँ, तो ये इनको पता होता है। ठीक है जी, आपको बताना भी पड़ता है। चलिए जी, इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्कूल के बारे में, डू लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।